तो फाइनली हम आ चुके हैं हलेना, जो कि भरतपुर से पड़े 35 किलोमीटर, और हेमराज भगा जा रहा है। अरे भाई रुक जा, रुक रुक रुक, चल। तो अभी हम जा रहे हैं, इसकी गाड़ी उठाते हैं और फिर चलते हैं खाटू श्याम मंदिर। तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, और करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ, हर हर महादेव। और हम हैं अभी हलेना में, मैं और हेमराज सिंह धाकड़। तो हम जा रहे हैं यहाँ के जो फेमस बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया है खाटू श्याम मंदिर, तो उसका शुभारंभ हो चुका है। आपको दिखाते हैं जो यहाँ का जो बहुत विशाल मंदिर है खाटू श्याम जी का, और यहाँ के जो पट खुल गए हैं, और जो सीकर वाला जो मंदिर है, जो बड़ा मेन मंदिर है, वहाँ के भी पट खुलने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट, बाइक तो नहीं आज गाड़ी है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो आज ब्लॉगिंग होने वाली है गाड़ी में, तो थोड़ी दूर है, ये है थाना हलेना, और यहाँ से हलेने थाने के पास ही आपको पीछे बहुत बड़ा मंदिर दिख जाएगा, आपको दूर से ही दिखेगा खाटू श्याम मंदिर हलेने का। 5 minutes later तो गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, और पीछे है अपने खाटू श्याम मंदिर, और घूम के जाएंगे, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं फिर। तो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर हलेना। तो इधर से रास्ता है ना, तो आप देख सकते हो ये रास्ता है मेन रास्ता। चल भैया, तो ये खाटू श्याम मंदिर देवी का मंदिर है, तो अभी तो ये देवी मंदिर है, और ये भोलेनाथ का मंदिर, और इधर बनाया खाटू श्याम का मंदिर। अच्छा, और ये धर्मशाला भी है यहाँ पे। तो दोस्तों सामने है खाटू श्याम मंदिर, और ये खाटू श्याम मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है, और सामने देख सकते हो ऐसी लोकेशन आती है हलेने के खाटू श्याम मंदिर में। तो दोस्तों थाने के जस्ट बगल में ये खाटू श्याम मंदिर है, और अंदर चलते हैं, और बेल्ट अलाउ नहीं है चमड़े की अब ऐसी, तो चलते हैं आपको कराते हैं दर्शन। बहुत बढ़िया बनाया है मंदिर, जाओ खाटू श्याम बाबा। जाओ भोजन रसोई मेरा सर्वेश्वर श्याम। अच्छा अभी बनाओ मंदिर तो है ना, 19 तारीख को तो अपने। अच्छा 19 तारीख को तो काम ही चल रहा है। बेड पे कोई सो ही नहीं सकता कैसे? ऐसे आप उसको बैठने की कोशिश करो, आपको मनी ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। क्यों? आया तो बाबा के लिए था। अच्छा, तो इन्होंने फिर ये बोला था बोल भाई बाबा के मतलब चीज़ें वो सब आप यूज़ कर सकते हो, तो सोने वोने के लिए आप बेड यूज कर लिया करो। हमने बिस्तर विस्तर सब कंप्लीट कर दिया, उसके ऊपर सोने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं, और ना तो कोई भी नहीं सोता ना कोई बैठता, बैठता भी नहीं है, कोई भी नहीं बैठता। अच्छा, सब ऐसे के कंप्लीट है, सब बाबा के लिए छोड़ दिया। और अलमारी भी, ये अलमारी में सब बाबा का सामान रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी और बाकी काम और रह गया है, तो काम चालू है। तो रेलिंग वगैरह लगेंगी यहाँ पे है? उधर हाल वगैरह भी बनने वाले हैं अभी, तो यात्रा मिल गई। अच्छा बढ़िया है ना भैया। तो दोस्तों ये है अपने भरतपुर का हलेने का खाटू श्याम मंदिर, बहुत शानदार बना हुआ है, और बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है, और इधर है आप देख सकते हो ऑफिस, यहाँ का कमेटी यहाँ बैठती है, और इधर से ये बता रहे थे ये लंबा होके बाहर सीधा निकलेगा। और पीछे है बगल में साइड में हलेना थाना, और ये रास्ता जा रहा है सीधा हलेने थाने के बगल में से, आप आ रहे हो तो थाने के बगल में से रास्ता जा रहा है, और अपनी गाड़ी पार्क खड़ी है। तो आई होप आपको खाटू श्याम मंदिर अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो दर्शन करने ज़रूर आ जाना, यहाँ पे बहुत अच्छा शानदार है, मज़ा आ गया दर्शन करके। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम। और पुरानी बावड़ी बन रही है, बावड़ी क्या क्या बोलते हैं, छतरी बन रही है बावड़ी, तो ये देख सकते हो छतरी बन रही है। निकलते हैं फिर, तो चैनल पर नए हैं चैनल को लेना सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम, राधे राधे।